और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताया है और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार बताते हुए याचिका डाली थी, जिसे हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। ये बड़ा झटका माना जा रहा है। 6 दिन की न्यायिक हिरासत में ज्यूडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं। शराब आबकारी नीति घोटाला मामले में वो इस वक्त ईडी की रिमांड में है। और उधर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं और उनके साथ साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार भी थे। दोनों ने ईडी रिमांड में केजरीवाल से मुलाकात की। कोर्ट ने दोनों को केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंची थी। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस गिरफ्तारी को जायज नहीं ठहराया था। हालांकि उनके साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार भी थे। दोनों ने ईडी रिमांड में केजरीवाल से मुलाकात की। कोर्ट ने दोनों को केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत दी है, यानी कि पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकती है। और शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्दी आमने सामने की पूछताछ होने वाली है। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस की नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ईडी की दलील है कि के कविता का साक्ष्यों और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। ईडी ने यह भी दलील दी कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। ईडी का दावा है कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए और ऐसे में ईडी सूत्रों का यह कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराना जांच एजेंसी के लिए बेहद जरूरी है। जांच एजेंसी बेहद जरूरी समझ रही है ताकि नई शराब नीति की साजिश और मुख्य तौर पर मनी ट्रेल का खुलासा हो सके। तो के कविता और अरविंद केजरीवाल को जल्द ही आमने सामने बिठाया जाएगा और दोनों की ओर से जो बयान दिए गए हैं उन्हें क्रॉस चेक किया जाएगा और क्रॉस चेक करके इस पूरे घोटाले का किनपिंग कौन है, मनी ट्रेल कहां से आया, कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ और 70 लाख कैश में किस तरीके से भुगतान किया गया, ये तमाम सवालों के जवाब जो होंगे वो जानने की कोशिश करेगी और इसीलिए इस जांच को, इस इन्वेस्टिगेशन को बेहद अहम समझ रही है। वहीं कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी देशवासियों के सामने पढ़ी। अरविंद केजरीवाल के लेटर को पढ़ते हुए सुनीता कई बार इमोशनल भी हुई। पत्नी की जुबानी केजरीवाल का संदेश। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। लोहे के बने हैं अरविंद केजरीवाल। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। विपक्ष का प्रहार, भ्रष्टाचार से सुख होगा। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थी जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी ने फिर याद दिलाई बच्चों वाली झूठी कसम। और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे। बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना लिया। शराब घोटाले का इमोशनल चैप्टर शुरू हो गया है। एक तरफ फ्रंट फुट पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं, 6 दिन की रिमांड पर हैं, लेकिन उनका आगे का प्लान क्या है, केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा और केजरीवाल बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सुनीता केजरीवाल ने साफ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद देश के नाम चिट्ठी लिखी। इस पत्र को पढ़ते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो बयान जारी किया। इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने के मूड में हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा।
मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। सुनीता केजरीवाल के संदेश वाले वीडियो में खास बात ये थी कि वो उसी कुर्सी पर बैठी थीं जहां कभी केजरीवाल बैठते थे। बैकग्राउंड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीदे आजम की तस्वीरें दिख रही थी। कैमरे के फ्रेम में तिरंगा भी दिख रहा था। दिल्ली वालों को केजरीवाल का मैसेज दे रही सुनीता ने आगे जो कहा उस पर ध्यान दीजिए। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकते हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। केजरीवाल की चिट्ठी के अगले हिस्से को पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल ने उनके हौसले का भी जिक्र किया। सुनीता ने वीडियो बयान में कहा, ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। केजरीवाल ने जेल जाने से पहले जो चिट्ठी लिखी उसे पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनके बिछड़े साथी भी एकजुट होते दिख रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कुछ मुद्दों पर केजरीवाल से असहमति का इजहार करते हुए उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर एतराज जताया है। उधर कभी केजरीवाल के साथी रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के खिलाफ मामले के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा कर रहे हैं जो एक कंपनी का अधिकारी था। और उधर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ऐसा संभव है। केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन और धरनों का दौर जारी है। उधर ईडी हिरासत में केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। वहीं बीजेपी केजरीवाल पर प्रहार करने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी केजरीवाल के शराब घोटाले पर जोरदार हमले शुरू कर रखे हैं। शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। बीजेपी की तरफ से शराब घोटाले में केजरीवाल को सरगना बताया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि जेल से ही सरकार चलाने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने की कोई मजबूरी नहीं। कानून के जानकारों का मानना है गिरफ्तारी होने को दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता है। ऐसे हालात में किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने पर तुरंत उनका पद नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ये देखना होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, साथ ही लोकतंत्र की परंपराओं के कितना अनुरूप होगा। जहां तक जेल से कैबिनेट मीटिंग और मंत्रियों के साथ मीटिंग का सवाल है, तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी की आवश्यकता होगी। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी से ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में ये पूरी तरह से जेल अथॉरिटी पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाहेंगे और जेल अथॉरिटी इसके लिए इजाजत देगी तो ऐसा संभव हो सकता है। इसके साथ ही करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में जेल से सरकार चलाना प्रैक्टिकली कितना संभव होगा, इसको लेकर दुविधा बरकरार है। ऐसे में काफी कुछ कोर्ट पर निर्भर करेगा, मगर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल जेल के भीतर से ही सरकार चलाएंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे।
कानून पर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी की थी उसे भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो मंत्री या मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी पर पद से इस्तीफा देना अनिवार्य करता हो। यानी कोई सीएम या मंत्री अगर जेल जाता है तो कानूनी तौर पर इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है। एक्ट में सजायाफ्ता को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन है, लेकिन कोई आरोपी है और जेल में भी है तो वो एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। जो चुनाव लड़ सकता है वो जेल में रहते मंत्री भी रह सकता है। 28 मार्च को केजरीवाल की अगली पेशी है, पेशी में उनका भविष्य तय होना है। साथ ही ये भी तय होगा कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को इस गिरफ्तारी का फायदा मिलता है या नुकसान। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी को सदमा लगा है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि सीएम केजरीवाल के विरोध में होली नहीं मनाएगी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि 23 मार्च को पार्टी के नेता दिल्ली के शहीदी पार्क जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम होली नहीं मनाएंगे बल्कि लोगों से देश को बचाने की अपील करेंगे। केजरीवाल की पार्टी उनकी गिरफ्तारी को कैश करने के मूड में है, तो वहीं बीजेपी इस गिरफ्तारी को क्रांतिकारी पार्टी के पतन का काउंटडाउन मानकर चल रही है। 28 तारीख अब सबसे अहम है, जिस दिन केजरीवाल की पेशी होगी। कांग्रेस के कई नेता केजरीवाल को नैतिक तौर पर इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी नेता केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। मेरा यह है कि कानूनी रूप से शायद कोई चीज रोकती नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा व्यक्तिगत सोचे तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि सरकार चलाने में काफी वक्त लगता है, काफी मुश्किलें आती हैं, काफी जद्दोजहद होती है, तो मेरा व्यक्तिगत ये होगा कि अगर वो किसी और को मनोनीत कर दे या पार्टी चुन ले तो शायद बेहतर रूप से अगले कुछ दिन सरकार चलेगी। लेकिन ये उनकी पार्टी है, उनके पार्टी का अपना निर्णय है। सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि कौन किस पार्टी को अपने संसदीय दल का नेता बनाता है, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाता है, ये हर पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस उनको इस वेदना में बोलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार। आज जिस तरह से वो बात कर रही थी तो मुझे लगता है बेहतर होता ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिस दिन अरविंद केजरीवाल सरकारी सुविधाएं भी ले रहे थे, सरकारी कोठी भी ले रहे थे, सरकारी गाड़ी भी ले रहे थे, सरकारी सुरक्षा भी ले रहे थे, क्योंकि कसम तो अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कि नहीं लूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन उस आलिशान बंगले में गृह प्रवेश हो रहा था। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के अंदर से ही दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको दो बयानों के जरिए समझाते हैं। दरअसल एक तरफ संजय सिंह ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, रिमांड में है, मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं, कि कैसी नैतिकता है, उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो दूसरी तरफ रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी की बात करते थे, आज शराब के सबसे बड़े घोटाले में जेल में है, अरविंद केजरीवाल अपनी सही जगह पहुंच गए हैं जो कि जेल है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के नेताओं ने जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को पूरे देश में विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेने का काम कर रही है। आपने देखा होगा, मैं एक का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन दो तो मुख्यमंत्री पिछले एक महीने में, दो मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जो बिहार के तेजस्वी यादव, और हमारी कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें तो चाहे वो खड़गे जी को ईडी ने बुलाया हो, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया हो, राहुल जी को ईडी ने बुलाया हो, लगातार इनका ये 5 साल तक यही काम चला रहा। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग लीडर केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, रवनीत बिट्टू हो, वह संजय निरुपम हो, वह संदीप दीक्षित हो, वे अपने बयानों से ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, वह ठीक जगह पहुंच गया है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। परंतु इस सारे के बावजूद भी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वह केजरीवाल के साथ खड़ी दिख रही है। ये इसी प्रकार है, क्योंकि हिंदी की कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई,